नमस्कार, मैं हूँ नीलम मौर्य। मेरे चैनल नीलम रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं महाराष्ट्र की एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सिंगदाना चटनी बोलते हैं। ये मूंगफली से ही बनती है। ये सिंगदाना चटनी के नाम से ही फेमस है। इसे वड़ा पाव के साथ भी खाया जाता है। आप इसे सफ़र में भी बना के लेके जा सकते हैं। इसे आप पराठा या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सिंगदाना चटनी। सबसे पहले मैंने एक पैन रखा है, उसमें 10 से 12 ये लाल मिर्ची है उसको डाला है, और 2-3 बूंद मैंने घी डाला है इसमें। उसको डाल के हमें रोस्ट करना है। ये सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे ही करना है। देखिए, लाल मिर्ची रोस्ट हो गई है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम 2 बड़े चम्मच जीरा डालेंगे, इसको भी हम रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, जीरा भी रोस्ट हो गया है। चलिए इसको भी अब निकाल लेते हैं हम। अब इसमें हम 10 से 12 लहसुन की कलियां डाल के इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं लहसुन। देखिए, लहसुन भी रोस्ट हो गया है। आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें लाल मिर्ची का यूज करिएगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं अब। ये देखिए, मैंने 1 कप सिंगदाना लिया है, इसको भी अब डाल के हमें लो फ्लेम पे ही इसको रोस्ट करना है, इसको लगातार चलाते हुए, ताकि ये जले ना। ये देखिए, मूंगफली ने धीरे धीरे कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर हम और भूनेंगे। ये देखिए, मूंगफली अच्छे से भून गई है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद करते हैं। अब इसको ठंडा होने के बाद इसका छिलका हम उतार देंगे, उसके बाद फिर हम इसको यूज में लाएंगे। अब एक जार लेते हैं, उसमें ये जो मैंने मूंगफली का छिलका उतार लिया था उसको डाल लेते हैं हम मूंगफली को। अब ये जीरा और लहसुन इसको डाल के मिला लेते हैं इसमें। ये देखिए, ये लाल मिर्ची है। लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार। अब इसको डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, इसको आप बिल्कुल बारीक मत करिएगा, नहीं तो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो लीजिए, हमारी ड्राई पीनट चटनी बनकर तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए।